मानव जाति जब से इस अस्तित्व में आई है तभी से उसने अपने परचम को पूरी दुनिया में लहराया है। पुराने इतिहास से लेके आज के वर्तमान समय तक मनुष्य ने कई ऐसी चीजों का निर्माण किया है जो मनुष्य के शक्तिशाली होने के साथ साथ उसके बुद्धिमान होने को भी दर्शाता है। चाहे भारत में मौजूद ताजमहल हो या फिर मिस्र में मौजूद पिरामिड्स, इन दोनों का यह निर्माण मानव की बुद्धिमत्ता और कौशलता को दिखाता है। अपने अपने समय के दौरान मानव ने अपने बुद्धि बल से अनेक चीजों को बनाया है, लेकिन जहां वर्तमान समय में हम दोबारा ताजमहल या फिर पिरामिड्स को नहीं बना सकते हैं, उसी तरह से शायद पुराने युग के लोग भी आज की बुर्ज खलीफा के बारे में नहीं सोच सकते थे। इसी तरह से आज से 21 साल पहले हमारे वैज्ञानिकों ने एक ऐसी चीज का निर्माण किया, इसके बारे में पुरानी सदी के मानवों ने तो क्या इस युग के मानवों ने भी कभी नहीं सोचा होगा, और इस निर्माण के लिए उनका नाम इतिहास में दर्ज हो चुका है। हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की। जब भविष्य में कोई दूसरी सभ्यता आएगी और हमारे वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए ISS के अवशेष उन्हें मिलेंगे, तो वो अवशेष उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर देंगे कि आखिर हमने ऐसा कैसे मुमकिन कर दिया। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में, और इसे अंतरिक्ष घर कहना भी गलत नहीं होगा। तो चलिए आज चलते हैं इस बेहद ही अविश्वसनीय इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा पर और जानेंगे इसकी शुरुआत से लेकर अंत आने तक के सफर के बारे में पूरी कहानी। वैसे तो ISS की शुरुआत कागजों में तो 1984 में ही हो गई थी, जिसमें अंतरिक्ष में इंसानों के रहने के लिए किसी जगह की बनाने की बात करी गई थी। ISS को 20 नवंबर साल 1998 में धरती की निचली कक्षा के लिए रवाना किया गया था। 2 नवंबर 2016 में पहला अंतरिक्ष यात्री समूह इस ISS में रहने के लिए पहुंच गया था, लेकिन ISS का पूरा निर्माण धरती पर नहीं किया गया था बल्कि इसे अंतरिक्ष में बनाया गया था। पहले समूह के पहुंचने के बाद अलग अलग अभियानों के तहत धरती से ISS के अलग अलग भागों को अंतरिक्ष में भेजा गया था, जहां पर पहले से मौजूद समूह ने इन भागों को धीरे धीरे मिलाना शुरू किया और इसे छोटे भाग से फुटबॉल मैदान जितने बड़े आकार में बना दिया। और वही पहली उड़ान से लेके आज तक ISS लगातार काम कर रहा है और पिछले 21 सालों से इसमें अंतरिक्ष यात्री भी रह रहे हैं। इस स्पेस स्टेशन का नाम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन रखा गया क्योंकि इसे किसी एक देश ने नहीं बल्कि 5 देशों ने मिलकर बनाया था। जिस साल ISS को बनाने की बात अमेरिका ने की थी, ठीक ऐसे ही अभियान पर रशिया भी काम कर रहा था, क्योंकि दोनों देशों के अभियान एक थे तो इसी वजह से दोनों देश इस अभियान के लिए एक साथ हो गए। अमेरिका और रूस के साथ इस अभियान में जापान, यूरोप और कनाडा की स्पेस एजेंसियां भी शामिल थी। तो क्या सिर्फ इन्हीं देशों के अंतरिक्ष यात्रियों को इस स्पेस स्टेशन में जाने की इजाजत थी? तो जवाब है नहीं। अभी तक 19 देशों के 251 अंतरिक्ष यात्रियों ने इस स्पेस स्टेशन में अपना समय बिताया है। ISS को बनाने के पीछे सबसे बड़ा कारण था भविष्य में होने वाले अंतरिक्ष अभियानों की मदद करना, साथ ही अंतरिक्ष के बारे में जानना और समझना, और जो परीक्षण धरती पर गुरुत्वाकर्षण की वजह से संभव नहीं थे उसे ISS पर पूरा करना। उदाहरण के तौर पर अंतरिक्ष यात्रियों का अंतरिक्ष में ज्यादा लंबे समय तक रहने पर उनके शरीर पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, और किसी लंबी अंतरिक्ष यात्रा पर जाने में क्या इंसानी शरीर साथ देगा। अभी तक के ISS के कार्यकाल में इस स्पेस स्टेशन ने बड़ी उपलब्धियों को हासिल किया है। 2020 में धरती से कुछ बैक्टीरिया को ISS में लेकर आया गया था। वैज्ञानिकों ने ये पाया जो बैक्टीरिया धरती पर काफी संवेदनशील थे उन्होंने अंतरिक्ष में 3 साल बिना किसी दिक्कत के बिताया था। इस परीक्षण से ये भी साबित हुआ जिंदगी अलग अलग रूप में इस पूरे ब्रह्मांड में मौजूद हो सकती है। ISS पर रहकर सिर्फ अंतरिक्ष के बारे में ही नहीं बल्कि धरती को लेकर भी काफी खोजें की गई। ISS धरती से न्यूनतम 370 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहता है और अधिकतम 460 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाता है। 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चक्कर लगाते हुए ISS धरती का एक चक्कर 93 मिनट में पूरा कर लेता है, और पूरे दिन में ये धरती के 15.5 चक्कर पूरे करता है। अगर साफ मौसम में ISS के सही जगह पर होने का पता हो तो इसे धरती से आसानी से देखा भी जा सकता है। धरती से न्यूनतम ऊंचाई पर धरती के चक्कर लगाते हुए ISS को सबसे ज्यादा खतरा होता है, क्योंकि इस ऊंचाई पर अन्य सैटेलाइट और सैटेलाइट के टुकड़े भी घूम रहे होते हैं जिनसे ISS को टकराने का खतरा रहता है, और इनसे बचने के लिए ISS को काफी मशक्कत भी करनी पड़ती है। इस ISS ने हमारे वैज्ञानिकों को कई अनमोल पल दिए हैं। एक फुटबॉल मैदान जितना बड़ा स्पेस स्टेशन शायद जल्द ही धरती पर गिरने वाला है। ISS को जितना उपयोगी समझा गया था वो असल मायनों में इससे ज्यादा उपयोगी निकला। भले ही राजनीतिक तौर पर अमेरिका और रूस भले ही एक दूसरे के कट्टर विरोधी हों, लेकिन ISS के मामले में दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े रहे हैं। लगभग
21 सालों से लगातार काम करते हुए आईएसएस के सौर पैनल अब उतने ताकतवर नहीं रहे हैं। इससे पहले आईएसएस को साल 2011 तक अंतरिक्ष में रहने की बात करी गई थी, लेकिन एक प्रस्ताव के बाद इसे 2020 तक इसका अंतरिक्ष में रहना तय किया गया, लेकिन फिर 2022 में आईएसएस को 2031 तक अंतरिक्ष में रखना तय किया गया और कहा गया कि 2031 तक आईएसएस को रिटायर कर दिया जाएगा। इसे धरती के प्रशांत महासागर में नीमो नामक स्थान पर गिराया जाएगा। नीमो वो स्थान है जहां इससे पहले अन्य सैटेलाइट्स को भी गिराया गया है और इस जगह को स्पेसक्राफ्ट के लिए कब्रिस्तान भी माना जाता है। 419,455 किलोग्राम वजन किसी स्पेस स्टेशन को ठीक हालात में धरती पर उतारना तो मुमकिन बिल्कुल नहीं है। इस वजन के हिसाब से मानव द्वारा अंतरिक्ष में भेजी गई ये सबसे भारी वस्तु है। आईएसएस को धरती पर गिराना भी कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि इतने बड़े आकार को लेकर अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो 2611 जैसे हालात फिर से खड़े हो जाएंगे। वैज्ञानिकों के अनुसार आईएसएस में नए लगे ढांचों को पहले ही अलग कर दिया जाएगा और भविष्य में इन ढांचों का इस्तेमाल अन्य स्पेस स्टेशन में किया जाएगा। बाकी बचे आईएसएस के भाग को धीरे धीरे धरती की कक्षा में लाया जाएगा और धरती के वातावरण में घुसते ही अधिकांश भाग जल जाएगा और बाकी बचे भाग को पॉइंट नीमो के स्थान पर गिरा दिया जाएगा। आईएसएस के 21 साल का सफर 2032 में खत्म हो जाएगा। आईएसएस ने हमारी उम्मीदों से बढ़कर काम किया और अपने कार्यकाल से 2 गुने कार्यकाल तक काम किया। आईएसएस हमारे वैज्ञानिकों के लिए अंतरिक्ष की निगाह से एक महत्वपूर्ण अंग है और इसका योगदान भुला पाना नामुमकिन है। आज की वीडियो कैसी लगी इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अगली बार जल्द ही मिलेंगे फिर से ऐसे ही एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए।